रूस ने भारत को 21वीं सदी का सबसे बड़ा मौका दिया है, जो भारत के विकास की रफ्तार को दुगना करते हुए भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। दरअसल रूस ने कहा है कि आर्कटिक क्षेत्र 21वीं सदी के क्लोनडाइक के रूप में उभर रहा है। आपको बता दें कि क्लोनडाइक एक ऐसी नदी है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसमें सोना बहता है। कुछ इसी तरह 21वीं सदी में आर्कटिक क्षेत्र भी प्राकृतिक संसाधनों का एक बड़ा भंडार उगलने वाला है। ऐसे में भारत रूस की मदद से आर्कटिक क्षेत्र के संसाधनों को पाने वाला पहला गैर आर्कटिक देश बन सकता है। इस समय दुनिया में जितने भी तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद हैं, उनका लगभग 80% केवल आर्कटिक क्षेत्र में विद्यमान है, जिसे पाने के लिए रूस, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क और नॉर्वे में होड़ लगी हुई है। लेकिन आर्कटिक क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र बनाने के लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। इसी निवेश को हासिल करने के लिए रूस के पेट्रोलियम मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने भारत को निवेश का खुला ऑफर दिया है। जानकारों का मानना है कि इस निवेश से भारत को भी फायदा मिलेगा। रूस ने कहा है कि हमें ये यकीन है कि भारत इस क्षेत्र में रूस का सबसे भरोसेमंद साझेदार साबित होगा। मगर यहाँ ये भी बता दें कि आर्कटिक क्षेत्र चुनौतियों से भरा पड़ा है और यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित करना छेनी हथौड़े से पहाड़ तोड़ने से कम नहीं। देखते हैं अब रूस और भारत मिलकर इस क्षेत्र में अपना परचम लहराते हैं या नहीं।